नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का पार्ट टू पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट वन में परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में देखा था, और आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट टू, जिसमें आज हम लोग बोर का परमाणु मॉडल और परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। आपको सारा चीज़ वीडियो को देखते देखते याद हो जाएगा, और अगर आप नोट करके उसको एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आपका सारा अपना हो जाएगा और एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, परमाणु संरचना का आज का है पार्ट टू, जिसमें आज हम लोग प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत देखेंगे। साइंटिस्ट थे एक मैक्स प्लैंक, उन्होंने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था जिसको आज हम लोग बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो मैक्स प्लैंक ने 1901 ईस्वी में, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1901 में तप्त काली वस्तुओं से, क्या है तप्त काली वस्तुओं, किसी भी वस्तु को अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा गर्म करेंगे तो उससे विकिरण निकलने लगता है, विकिरण ऊर्जा और ऊष्मा निकलने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तप्त काली वस्तुओं से विभिन्न आवृत्ति वाले प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्लैंक ने क्या किया था कि उन्होंने 1901 ईस्वी में तप्त काली वस्तुओं से विभिन्न आवृत्ति वाले प्रकाश का जो उत्सर्जन होता था उसका अध्ययन करके एक सिद्धांत दिया था जिसे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया था उन्होंने कि किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। उन्होंने बताया था कि किसी भी वस्तु के परमाणु से जो ऊर्जा या ऊष्मा या विकिरण ऊष्मा निकलती है वह कंटिन्यूअस नहीं निकलती है, वह सतत रूप से नहीं निकलती है, वह ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में निकलती है, जिसे क्वांटम कहा जाता है। उस ऊर्जा के पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और ये जो ऊर्जा का पैकेट है उसका जो मान कितना होता है, यानी एक क्वांटम की ऊर्जा जो होती है E बराबर एच न्यू, जहाँ पर एच क्या है? एच है प्लैंक स्थिरांक। एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻³⁴ मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? आपको चार ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपका सही हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। और कब दिया था? तो 1901 ईस्वी में दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो क्वांटम की ऊर्जा यानी E बराबर एच न्यू जो है, एच न्यू इसको क्या बोलते हैं? ये जो ऐसा है इसको क्या बोलते हैं? न्यू। E बराबर एच न्यू फॉर्मूला है, इसमें H क्या है? तो H है प्लैंक स्थिरांक, और H का वैल्यू आपको पूछ देगा। H का वैल्यू कितना होता है? 6.62 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड। आपको प्लैंक स्थिरांक का मात्रक भी पूछ सकता है एग्जाम में। मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड। और न्यू क्या है? जो वस्तु से जो विकिरण प्रकाश और ऊष्मा के रूप में निकल रही थी उस विकिरण की आवृत्ति जो है उसको हम लोग न्यू कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता था और प्लैंक ने इसका क्या चीज़ का अध्ययन करके इस सिद्धांत को दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, और जो क्वांटम होता है, क्वांटम की ऊर्जा E बराबर एच न्यू है, जहाँ पर H है प्लैंक स्थिरांक जिसका मान 6.62 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड होती है, और न्यू क्या है? जो विकिरण निकल रहा था वस्तु से उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी है। अब हम लोग देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर। उन्होंने परमाणु का एक मॉडल दिया था जिसे
बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उस कमियों को दूर इन्होंने किया था बोर ने। और इन्होंने जो परमाणु का मॉडल दिया था वह प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम सिद्धांत है, उसी को आधार बना करके इन्होंने परमाणु का मॉडल दिया था। तो देखते हैं इसमें क्या है। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया था। इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम कहने का मतलब उससे जो विकिरण निकलती है, किसी भी परमाणु से जो विकिरण निकलती है वह कंटिन्यूअस सतत रूप में नहीं निकलती, वह पैकेट्स के रूप में निकलती है। इसी को समझाने के लिए बोर ने प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया था और रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को भी इन्होंने दूर किया था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था, परमाणु मॉडल, उसकी में जो त्रुटियां थी उसको भी इन्होंने दूर किया था। और इनके अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल में बताया था कि उनकी जो कमियां थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने, रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, वह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं या जहां तहां घूमते रहते हैं। तो उसको इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। या किसने बताया था? नील्स बोर ने। और इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने में ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उससे ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी अगर ये परमाणु है और ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है इस कक्षा में, तो ये बाहरी कक्षा है, ये बाहरी कक्षा है, ये भीतरी कक्षा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके इस बाहरी कक्षा में आएगा तो यह ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अपने में ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और कोई अगर बाहरी कक्षा में चक्कर लगा कूद करके अंदर वाले कक्षा में आएगा, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को छोड़ेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है और जो भीतरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कम होती है। यानी अगर कोई बाहरी कक्षा से भीतरी वाली कक्षा में जाए तो उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और बाहरी वाली कक्षा में पहले से थी तो बाहरी वाली कक्षा में उसको ज़्यादा ऊर्जा थी, तो भीतरी वाली में कूदेगा तो ऊर्जा का वो उत्सर्जन कर देगा, ऊर्जा छोड़ देगा कुछ। और अगर कोई भीतरी कक्षा में पहले से है, यानी कम ऊर्जा उसका पहले से है, और वह बाहरी कक्षा में कूदेगा तो ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन किया था, यानी जो ऊर्जा घूम रहा है आसपास में, उसको वह अवशोषित करके बाहरी कक्षा में कूद जाएगा। अब हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपको दोस्तों पता होगा, आपको इतना तो जरूर पता होगा कि किसी भी तत्व में, किसी तत्व का जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। यह है नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों कक्षा में चक्कर लगाता है। इतना तो आपको जरूर पता होगा। अब परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर, किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है वो हम लोग अब देखेंगे। परमाणु संख्या क्या है वो भी देखेंगे। किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या, किसी तत्व के नाभिक में ये जो प्रोटॉन है, नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसकी कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु का जो नाभिक है, किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की कुल संख्या होगी उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, और इसे कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल लेटर जेड से लिखते हैं। और परमाणु संख्या जेड बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और नाभिक में इकाई धनावेश की कुल संख्या, यानी प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है तो नाभिक में जितनी इकाई धनावेश होगी उतनी प्रोटॉन की संख्या होगी, यानी इकाई धनावेश को भी हम लोग परमाणु संख्या बोल सकते हैं। और नाभिकीय आवेश जितनी होगी उतनी उस परमाणु की परमाणु संख्या होगी।
कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को भी हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे अगर इस परमाणु में अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएगा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि यह परमाणु उदासीन है यानी न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट करेगा और परमाणु को उदासीन रखेगा। यानी जितना प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है जो परमाणु संख्या के बराबर है। यानी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको भी परमाणु संख्या बोल सकते हैं, नाभिकीय आवेश जो है परमाणु का उसको भी परमाणु संख्या बोल सकते हैं, नाभिक में इकाई धनावेश की कुल संख्या को भी परमाणु संख्या बोल सकते हैं, और प्रोटॉन की संख्या को तो परमाणु संख्या बोलते ही है। अब हम लोग देखेंगे आगे, तो हम लोग लिख सकते हैं जेड बराबर पी बराबर ए, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी उदासीन परमाणु में। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संख्या क्या है, यानी मास नंबर, इसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, और इसको न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी बोलते हैं। जैसे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, उसी को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, उसी को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या के बराबर होती है। ए बराबर पी प्लस एन, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी परमाणु जो है उसको हम लोग निरूपित कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको परमाणु। जैसे किसी तत्व का परमाणु लिखते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज लिखेंगे कि उसमें सारा चीज आ जाए, जैसे द्रव्यमान संख्या भी आ जाए, परमाणु संख्या भी आ जाए, प्रोटॉन की संख्या भी आ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आ जाए, उसे न्यूट्रॉन की संख्या भी हम लोग याद कर सके। तो हम लोग किसी उदासीन परमाणु में सबसे जाए, किसी उदासीन परमाणु में क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उदासीन परमाणु, अगर कोई उदासीन परमाणु x है तो इसको निरूपित करते हैं, x के पीछे z लिखते हैं और सामने a लिखते हैं, यानी ये परमाणु संख्या हो गई, द्रव्यमान संख्या हो गया। अब यहां से आपको किसी भी, जैसे किसी कोई परमाणु दे, कार्बन परमाणु दे देगा, कार्बन परमाणु लिख देगा कैसे, 14 और 6 ऐसा लिख देगा, इसमें बोलेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा, इसमें पूछ देगा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे इसको आप लोग, आपको पता है कि नहीं ऐसे लिखेगा नहीं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कि ये द्रव्यमान संख्या और ये परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, जेड बराबर पी बराबर एन होता है।